हेलो फ्रेंड्स गुड इन वफ आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से जे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में पूछा गया सो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक गिवन बाय बाई इक्वल टू वॉट साइन ओमेगा के एंड बी इजल टू बी नॉट साइमेगा माइनस के एक्स

उसकी वैल्यू रहती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी मैं इसे ई से लिख देता हूँ जनरली हम इसे यू uh, ई e से भी रिप्रजेंट करते हैं सो इलेक्ट्रिक एनर्जी पार्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का जो वैल्यू है वो है हाफ एप्प्सल नॉट ई स्क्वायर सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी एंड मैग्नेटिक या एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का जो फार्मूला है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है वो है वन अपॉइंट टू बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट सो आप इन एक्सप्रेशन को राइट कर सकते हो एज यू नो दैट ई इज इक्वल टू सी बी सो आप बी की जगह लिख सकते हो ई अपॉन सी सो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन बन जाएगा हाफ बी की जगह आएगा डिफरेंट ई सो इट इज ई स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर इन टू म्यू नॉट एंड वी ऑल्सो नो दैट दैट स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू वन अपॉन रूट म्यू नॉट एप्स नॉट सो आप यहाँ पर म्यू नॉट की जगह राइट कर सकते हो या सॉरी सी की जगह राइट कर सकते हो आप या सी स्क्वायर की जगह राइट कर सकते हो वन अपॉन म्यू नॉट एप्सल नॉट सो यहाँ पर है आपके पास म्यू नॉट और सी स्क्वायर की जगह आ जाएगा वन अपॉन म्यू नॉट एप्सलॉट्स तो ये एप्सल नॉट और जो म्यू नॉट है वो ऊपर चला जाएगा सो म्यू नॉट सी नॉट कैंसिल हो जाएगा सो इट इज हाफ एप्सल नॉट ई स्क्वायर सो दिस इज ऑल्सो द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी दैट इज हाफ एप्स नॉट ई स्क्वायर और एक टिकट था हाफ एप्सल नॉट ई स्क्वायर तो दोनों एक्सप्रेशन जो है वो सेम है अगर आप रेशो लेंगे तो आंसर आपके पास वन आएगा थैंक यू